ये कहते हुए कि बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब रीजनल पार्टी है। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है मेरे लिए। तो उनका भाजपा में जाना एक बड़े चांटे के समान है, मगर बहुत तकलीफ हुई। जिस पार्टी में उनका सारा परिवार रहा, जिस और उस पार्टी को रीजनल पार्टी कहना, और जिस पार्टी के विरोध में उनके पिताजी सब लोग हमेशा लड़े, खड़े रहे कांग्रेस की सिपाही के तौर पर, उस पार्टी को छोड़ कर के उस बीजेपी में जाना जिसके साथ हमेशा वो लड़े, तो मुझे ताज्जुब है। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद यूपी में ये बड़ा झटका है, क्या गांधी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की उन्हें? देखिए, पार्टी को इन जब आज जो चुनाव हैं, वो कोई नेता ये कहे कि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूँ, अब जो अगले चुनाव भी होंगे वो फॉर और या एंटी होंगे, और जिस तरीके से सरकार का ग्राफ गिर रहा है, अगले चुनाव में 2024 में वो आपको साफ दिखाई देगा, बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई देगा। एक तरफ सर किप किया है, दूसरी तरफ राकेश टिकैत जब ममता बनर्जी से मिलते हैं तो उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने एश्योर किया है कि वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है उसके साथ वो हैं। सभी लोग फार्मर प्रोटेस्ट के साथ हैं, और ये ममता बनर्जी भी, सब लोग, पूरी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनडीए भी, सब फार्मर्स के साथ हैं। लेकिन सर फार्मर्स का साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का साथ है, जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसका साथ देना है। लेकिन सर यूपी में इस बीच जतिन प्रसाद जी का कांग्रेस छोड़ देना, आपको लगता नहीं है कि एक बड़ा नुकसान है? देखिए, मैं ये कहूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो वो ऐसा नहीं है, एक छोटा व्यक्ति भी जाता है। जितिन बहुत सालों तक बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे कांग्रेस के बदौलत, लेकिन ये भी किसी का सोचना कि मेरा कोई विकल्प नहीं है, वो गलत होगा। दूसरे लोग आएंगे और अच्छे लोग हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो बहुत बड़ी। तो आप लोग भी अपनी पार्टी में दूसरी पार्टी से लोग लाना चाहते हैं, बड़े चेहरा, सफल चेहरा? देखिए, जहाँ आवश्यकता है ये लोकल लीडरशिप तय करती है, कहीं हम लेते हैं कहीं हम नहीं लेते हैं, मगर ये जो लोकल पार्टी की आवश्यकता होती है उसके अनुसार तय होती है।